जी क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अपनी नई वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जिसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसको बना करके आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। हम बनाने जा रहे हैं अनियन फेस पैक। अनियन फेस पैक बनाना बहुत ही आसान है और इसके रिज़ल्ट तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलते हैं। ये इंटरनली तौर पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और एक्सटर्नली तौर पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। खाने और लगाने में इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसको बना करके हम जो अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो हमारे चेहरे पर जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ये हमारी खूबसूरती को बूस्ट करेगा और हमारे रिंकल्स को ख़त्म करेगा। सबसे इसके ज़बरदस्त बेनिफिट जो मिलते हैं वो रिंकल्स को ख़त्म करता है। तो आप 70 साल के भी होकर के 25 साल के नज़र आ सकते हैं। तो आप इसको बना करके आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और खूबसूरत नज़र आइए और अपने आप को जो है खूबसूरत लोगों में शुमार कीजिए। इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए जो प्याज का एक्सट्रैक्ट, हम ले लेंगे प्याज का एक्सट्रैक्ट। ये 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने ले लिया था, कि 2 टेबलस्पून के करीब जो है प्याज का एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया है। इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं हनी को। थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब हनी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़े से जो है इसके अंदर हम ग्लिसरीन को ऐड करेंगे। बहुत थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करना है इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। और इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो है हमने शहद को ऐड किया है, शहद जो है वो अच्छी तरह से हल हो जाए और ये हमारा जो है अनियन फेस पैक हमारा रेडी हो चुका है लगाने के लिए और खूबसूरत बनने के लिए अब हो जाए तैयार। इस फेस पैक को अप्लाई करने के लिए आपको कॉटन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप कॉटन की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इसको अप्लाई करूँगी। इसलिए जो है प्याज को आपने काट लेना है, काट करके जो है इसके ऊपर इसको आप लगाना है और इसी तरह से लगा करके इसकी जो है रबिंग आपके पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके जो स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको जो है आप इसके अंदर जो है जौ का आटा ऐड कर देंगे। जौ का आटा ऐड करके फिर एक मास्क की तरह से बन जाएगा, उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके फेस पैक के भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और मास्क के भी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो है रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सकता है। आपकी एक्नी को जो है ख़त्म करेगा, आपकी जो है सैगी स्किन को जो है उसको ख़त्म करने में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। इसके जो है इसके साथ ही आपकी स्किन को जो है जो है जो स्किन सैगी हो जाती है उसको जो है टाइटनिंग देता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अगर आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस अनियन फेस पैक को इस्तेमाल कीजिए। यह अनियन फेस पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, फाइन लाइन को ख़त्म करेगा, इसके साथ ही ये रिंकल्स को ख़त्म कर देगा और आपकी जो है खूबसूरती में करेगा इजाफा, 4 चांद लगा देगा और आप 70 के होके भी 25 के नज़र आएंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वाइटामिन मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो है इसके साथ एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। तो ये चीज़ें इस जो होती हैं ब्यूटी को जो है बूस्ट करती हैं। तो इस तरह से अपनी ब्यूटी को बूस्ट कीजिए, खूबसूरत नज़र आइए, स्टे यंग रहिए और इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई कीजिए। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इसके बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप रह जाएंगे हैरान, क्योंकि आप लगेंगे खूबसूरत, यंग और दिलकश नज़र आएंगे। तो बनाइए इस फेस पैक को और अप्लाई कीजिए, खूबसूरत नज़र आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।